लिया, आगे की बातों को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या कर लिया था एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। यहां से आयनन ऊर्जा या आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये ध्यान सुनना है ना। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब देनी पड़ेगी, तो इसलिए शोषी प्रक्रम उष्मा शोषी होता है। तो यह आकार के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका आकार छोटा वहां से ऊर्जा ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जेड इफेक्ट क्या होता है? नाभिक के आकर्षण, मतलब नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से बांध रखा है, तो उस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब जेड इफेक्ट ज्यादा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा। फिर अगला कक्षकों की भेदन क्षमता, कक्षकों की भेदन क्षमता को समझो। जो कक्षक जितना नजदीक होगा नाभिक के, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कक्षकों की भेदन क्षमता ज्यादा तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा। और कक्षकों की भेदन क्षमता क्रम क्या होता है? कि S सबसे नजदीक होता है, फिर P, फिर D, फिर और F, मतलब S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है बजाय P से, बजाय D से, बजाय F से। ओके, तो समान कोश, मतलब ये लाइन देखो, समान कोश वाले जो समानी कोश के हो उनके लिए, जिन कक्षकों की भेदन क्षमता अधिक होगी उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जैसे कि बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, अब एक बच्चा बार बार बोल रहा था सर बोरोन का जेड इफेक्ट ज्यादा होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए था, परंतु यार ये इसका एस नाभिक के ज्यादा नजदीक है, इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है बेटा। तो ये थर्ड पॉइंट उस चीज को करेक्ट कर रहा है कि यार इनकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, नाभिक के ज्यादा नजदीक होते हैं, तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। और देख ले अब तो ये तो पूर्ण पूरी तरह पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो वो तो अर्ध पूरी, वो तो आंशिक पूरी थे ना, वैसे भी समझ सकता है। अगला पूर्ण पूरित और अर्ध पूरित विन्यास। पूर्ण पूरित मतलब पूरे भरे हुए, अर्ध पूरित आधे भरे हुए। तो पूर्ण पूरित क्या होता है? जैसे कि S6P6D10, मतलब जिन कक्ष को, जिन उपकोषों में जितने इलेक्ट्रॉन आ सके उतने हो। जैसे S में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर S पूरा भरा हुआ हो, P पूरा भरा हुआ हो, D पूरा भरा हुआ हो, F पूरा भरा हुआ हो, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। सेम उसी तरीके से अर्धपुरित, अर्धपुरित मतलब आधे भर दो, जैसे कि P में 3, D में 5, F में 7, ये विन्यास। आंशिक पुरित मतलब इनके अगल बगल वाले, जैसे कि D5 D4 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, D10 D9 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, वही बात। P2 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, P3 P4 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, वो वाले सीन। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो देखो ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 2 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और यहां पे होता है NH2NP1। तो यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन इस पूर्ण पूरित DS से निकलेगा और यहां पे P से निकलेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना भाई यहां से मुश्किल होगा। इसी वजह से पहली आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, फिर दूसरी एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही मैग्नीशियम के अंदर 3 में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 3s में, जबकि उसका 3p खाली हो जाएगा, फिर 3s ही बचेगा, 3s से निकालना मुश्किल। इसी प्रकार 15 और 16 के अंदर देखा भाई 16 बाद में आता है तो उसके लिए ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं, इसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, ये अर्धपुरित विन्यास है, वो आंशिक पुरित विन्यास है, तो इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसी वजह से नाइट्रोजन की प्रथम आयनन बंधुता, प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सेम इसी तरीके से फॉस्फोरस की प्रथम, सल्फर की प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होगी, लेकिन दूसरे में उल्टा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल गया ना, इस वजह से। तो ये क्लियर हो गया। और इसी तरीके से ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के बारे में, पहली आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की ज्यादा रहेगी, दूसरी वाली सोडियम की ज्यादा हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, मिलते हैं 5:45 पे, तो अब उस टाइम पर हम आ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे की कहानी। हाँ, तो हमने आयनन ऊर्जा के क्रम को समझ लिया, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जिन पे डिपेंड करती है वो समझ लिया। अब आते हैं बेटा यहाँ पर इसका आवर्ती विचलन। आयनन ऊर्जा, अब हेडिंग डाल लो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आईपी का आवर्ती विचलन, आवर्ती विचलन इसको समझते हैं। क्योंकि सिलेक्शन आपका ही होगा, तो सीधी मुद्दे की बात। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट,
तो बाएं से दाएं चलते हैं तो बेटा जेड इफेक्ट बढ़ता है, आकार घटता है तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा घटेगी। बोलो, घटेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती, हाँ लगातार नहीं बढ़ती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉन्सेप्ट लगता है और ये घटती जा रही है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हाँ जी। अब आयनन ऊर्जा के बारे में ये चीजें हमने जान ली। अब देखो ध्यान से, यहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजों को अपन समझते हैं। जैसे कि आवर्त एक, अगर मैं प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालना की बात करूं, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 और इसका विन्यास होता है 1s2। तो उसका तो s पूरा भरा हुआ है, तो s पूरा भरा हुआ है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल होगा। और जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसके पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे, सिर्फ H+ बचेगा, उसमें सिर्फ प्रोटोन ही प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से मुश्किल होगा। अच्छा, एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं, क्या अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा होता है? तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकालना हर बार मुश्किल होगा। तो हमारे पास एक काम की बात आ गई, नोट, अक्रिय गैसों के लिए IE1 का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है, अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। अक्रिय गैसों के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो अष्टक पूरा है ना, अष्टक पूरा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेंगे? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वाली बात है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, आवर्त दो में देखो तो मेरे पास कौन कौन से तत्व है? जैसे कि लिथियम है ना, एक बार लिखें फिर बाद में लिखेंगे इनका क्रम। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ये तत्व है भाई, है। अब प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा ये हमसे बोला जाए तो हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हमें पहले इनके विन्यास को देखना चाहिए। इसका बाह्यतम कोष 2s1 वाला है, इसका 2s2 है, इसका 2s2p1 वाला है। ठीक है, इसका विन्यास ये 2p1, ये 2p2 हो जाएगा, 2s2 2p2। देखो ये अर्धपुरी आंशिक पुरी तो विन्यास है, ये 2s2 2p3 हो जाएगा, ये 2s2 2p4 हो जाएगा, ये 2s2 2p5 हो जाएगा और ये 2s2 2p6 हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जरा देखो ध्यान से, ये पूर्ण पूरित विन्यास, ये अर्धपूरित, वही बात आ गई ना, अर्धपूरित, यह पूर्ण पूरित, ये तो सबसे ज्यादा होगा इसके लिए, तो पूर्ण पूरित। तो जरा देखो ध्यान से, बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा बढ़ती है। कैसे पता? बाएं से दाएं चलेंगे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन सतत रूप में नहीं बढ़ेगी, एक समान दर से नहीं बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसे बढ़ती जाती है। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं IE1 का मान, प्रथम आयनन ऊर्जा, यही देखनी बस, लिथियम से ज्यादा होगी बेरिलियम की, क्यों? इसके मुकाबले ज्यादा स्थाई नहीं है। और
बेरिलियम की तो बोरोन से भी ज्यादा हो जाती है। ये दूसरे वर्ग में आते हैं, ये तेरहवें वर्ग में आते हैं, पढ़ाया था अभी अभी। अब ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा आ जाएगी, जस्ट अपने अगल बगल वाले से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि 10 फलांगे मार के आगे वाले से ज्यादा हो जाए, जस्ट अगल बगल वाले से। और नियोन तो अक्रिय गैस है, उसका तो अष्टकी पूरा उसकी सबसे ज्यादा। तो जरा देखो ध्यान से, आप मेरे को ये क्रम लिखवाने में मदद करो। लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के भी आगे आएगा नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन के आगे फ्लोरीन, और सबसे आगे नियोन। बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी ध्यान में रखना होगा। लिथियम से ज्यादा ऊर्जा लगेगी बेरिलियम में, लेकिन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णपुरित है, और पूर्णपुरित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इसके बगल वाले से भी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा इससे भी ज्यादा हो जाएगी। बोरोन पीछे आ गया, बेरिलियम आगे आ गया, फिर इतना भी आगे नहीं आएगा कि कार्बन के आगे आ जाए। अब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन का विन्यास अर्धपुरित है, मतलब इससे ज्यादा स्थायी है, तो इससे ये आगे आ गया, और फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, तो सबसे आगे आ गया। खत्म करो, आगे बढ़ते। सेम इसी वजह से आवर्त नंबर 3 में भी यही होता है, और ज्यादा नीचे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आर्गन, तो इनके लिए अगर मैं आयनन ऊर्जा का क्रम बताऊं, सेम यही सीक्वेंस आएगा जैसे वहां पर आया। आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा सोडियम की कम, सोडियम से ज्यादा, बताओ एक क्रम लिख के बताओ तुरंत फटाफट से, क्रम लिख के बताओ। सोडियम, सोडियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम तो और आगे चला जाएगा, फिर यहां पे आएगा सिलिकन, फॉस्फोरस सल्फर के भी आगे चला जाएगा, यहां पे आएगा सल्फर, सल्फर से आगे फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, क्लोरीन से आगे आर्गन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हां जी, अब कुछ अपवाद देख लिए जाए। अपवाद, अपवाद ये आपकी नजरों में, मेरी नजरों में नहीं है, इनके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, अपवाद ये आपकी नजरों में, सर अपवाद एक्सेप्शंस, जैसे कि क्लास में सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे, कुछ समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे वो अपवाद नहीं है, शायद क्या पता उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो। कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तुरंत समझ लेते हैं, कुछ थोड़े मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ को उतना एक बार में चीजें पकड़ने में नहीं आते, कुछ तुरंत समझ जाते हैं, लिखूं उससे पहले बता देंगे, कुछ थोड़े धीमे होते हैं, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक्सेप्शंस, अब जैसे कि कहां पे देखने को मिलेंगे, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में दाएं से बाएं जाने में तो वो तो समझ लिया, लेकिन ऊपर से नीचे आने में भी देखो ध्यान से। ग्रुप नंबर 13, तेरा मेरा साथ, ग्रुप नंबर 13, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें कौन सदस्य है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम है, ये इसमें तत्व है। ओके, तो जरा देखो ध्यान से बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऊपर से नीचे जा रहे आयनन ऊर्जा घटनी चाहिए थी, घटती तो है लेकिन असमान रूप से। कैसे, तो जरा देखो ध्यान से, इनके लिए आयनन ऊर्जा प्रथम, प्रथम का ही अपन को देखना होता है सब में, तो बोरोन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर इंडियम आएगा, फिर थेलियम आएगा, वो भी गलत है, इसका सही है, थेलियम दूसरे नंबर पे आ जाता है। ये कैसे हुआ, बस यही तो लॉजिक है, फिर इसके बाद गैलियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका इंडियम। ये है इसका सही क्रम, जो कि आपको बड़ी मशक्कत से याद होगा। बोरोन, बोरोन के जस्ट बाद एल्यूमिनियम आ जाए, बोरोन के जस्ट बाद थेलियम आ जाएगा, बाकी तो आपको पता ही है कि यार गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है, तो छोटा आकार वाले के लिए ज्यादा आयनन ऊर्जा लगानी पड़ेगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम आ जाएगा, खत्म, बस ये बीच में आया थेलियम, और सब सही है ये वाला। अब इसके पूछे आप पूछोगे कारण क्या है, तो मैं कहूंगा
इसके पीछे कारण है संक्रमण एवं लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ये कारण है, उसकी वजह से ये वेरिएशन देखने को मिलता है वर्ग संख्या 13 के तत्वों में। जी भाई साहब, कार्बन परिवार, इसमें भी अपवाद है क्या? हाँ, थोड़ा सा, छोटा सा अपवाद है, छोटा सा। देखो, कहे, हाँ जी, क्या कहे? सीता जी सुनो प्रभु, इसमें अपवाद थोड़ा सा है कि यार आयनन ऊर्जा ऊपर से नहीं जाने पे घटनी चाहिए थी, बिल्कुल घटती है, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम फिर एसएन और प्लम्बम घटनी चाहिए बिल्कुल, परंतु बेटा आपको बताया जाता है कि ये गलत है। थोड़ा सा दुख होगा हमें, प्लम्बम से ज्यादा होती है, प्लम्बम की ज्यादा होती है टिन से, बस ये वेरिएशन लिया मैंने। कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, देखो सिलिकन जर्मेनियम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, डी ब्लॉक के बाद जर्मेनियम आता है, तो संक्रमण संकुचन नहीं लगा वहां पर, पीबी आ गया फिर एसएन आ गया, ये होता है, प्लम्बम आगे आ जाता है, ये सत्य है। बताऊं कारण इसका? अभी बताता हूं कारण, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से बेटा प्लम्बम के अंदर भी, हाँ 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 बिल्कुल सही सुन रहे हो, प्लम्बम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप खिसक करके आ जाते हैं, आकार में इतना परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है टिन के मुकाबले, एसएन के मुकाबले। ग्रुप नंबर 14 में ये वेरिएशन आता है। बाकी और में कोई दिक्कत नहीं है, 14 में कोई दिक्कत नहीं, 15 में कोई दिक्कत नहीं, 16 में कोई दिक्कत नहीं है, 14 में दिक्कत है, 15वें 16वें 17वें 18वें में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक में, डी ब्लॉक में चले, चलो 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 डी ब्लॉक में। हां जी, तो अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो बात ऐसी है, घर जैसी है। हमने देखा था 3D श्रेणी को, हमने देखा था 3D श्रेणी को, तो 3D श्रेणी में हमने क्या देखा था कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाते हो, तो हमने देखा था कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक आकार घटता जा रहा था, आकार घटता जा रहा था, तो आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, हा या ना? आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, प्रथम आयनन ऊर्जा की बात होती है जब भी आयनन ऊर्जा की बात की जाती है तो, और उसके बाद मैंगनीज से लेकर के निकल तक आकार सेम सेम रहता है, आकार ऑलमोस्ट समान रहता है, आकार समान रहता है, तो इनके लिए आयनन ऊर्जाएं भी समान ही रहेगी, प्रथम आयनन ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है, ओके। और कॉपर से जिंक की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटने की बजाय बढ़ जाता है, तो आयनन ऊर्जा घट जाएगी। ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये तो वर्ग में भी देखो, ये तो था आवर्त में, है ना, अब वर्ग में देखो, जैसे कि ग्रुप नंबर 3 देखो, ग्रुप नंबर 3 तो एकदम सिंपल सा ग्रुप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आयनन ऊर्जा का क्रम क्रम देखे, सुजुकी यामाहा लाओ एसी, तो ऊपर से नीचे चले, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, कोई नो दिक्कत नहीं है, परंतु वर्ग ग्रुप 4 से लेके 12 क्या उनका आकार कैसा होता था, इनका आकार होता था सब 3D श्रेणी का आकार सबसे छोटा होगा,
परंतु 4D श्रेणी और 5D श्रेणी का तो आकार समान हो जाता है ना। हाँ बेटे बिल्कुल समान हो जाता है। तो आयनन ऊर्जा भी उस हिसाब से बता दो फिर। आयनन ऊर्जा का क्रम 3D श्रेणी से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल बजाय 4D श्रेणी और 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के लिए आयनन ऊर्जा लगभग सेम। तो कोई उदाहरण बताओ ना गुरुजी। तो जरा देख उदाहरण। अगर मैं आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में बात करूं, टाइटेनियम से निकालना मुश्किल है कि जर्कोनियम से कि हाफ नियम से। तो जरा देखो ध्यान से, टाइटेनियम से बड़ा जर्गोनियम, जर्गोनियम और हाफ नियम बराबर ये छोटा, तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल और इन दोनों में तो समान। बोलो क्या यह बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? ओके क्लियर। तो यह बात है, अगर किसी को नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लाने की कोशिश करता हूं। ओके अब दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसमें ये वेरिएशन आता है, ठीक है। ओके ये ध्यान रखना। अब आगे तो डी ब्लॉक भी क्लियर हो गया भैया, खत्म। बाकी एब ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आयनन ऊर्जाओं के बारे में अलग अलग चीजें, बातें जो हमें बतानी थी, हमें समझनी थी। अब आयनन ऊर्जा के एप्लीकेशन, क्या अनुप्रयोग होते हैं इसके? बहुत गजब के अनुप्रयोग है भाई साहब। हेडिंग डाल लो आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग, तो देखो ध्यान से आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग हेडिंग डाल लो। अब देखो ध्यान से इधर, अगर मैं आयनन ऊर्जा बात करूं, ऊपर से नीचे आने पे घटेगी, इसमें भी घटेगी, यहां पे भी घटेगी। यहां पता है ना क्या वेरिएशन आया था, अभी बताया था, यहां पे घटती है बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर ये ऊपर आ जाता है, ये TL ऊपर आ जाता है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम आता है। यहां पे भी घटनी चाहिए, परंतु ये SN ऊपर, SN से ऊपर PB आ जाता है। बाकी में घटते क्रम में, ठीक है। ओके ये हमने क्लियर किया। फिर देखो ध्यान से, इनका S पूरा भरा होता है तो इनसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है इनके मुकाबले, और इनके ही मुकाबले तो इनके लिए आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है इनके मुकाबले, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे आप समझ सकते। अब आगे बढ़ते हैं देवियों सज्जनों। अरे मजा आ गया यार इतना बड़ा लेक्चर लेने में, तो मैं खुश हो गया एकदम, दिल गार्डन हो गया। हाँ जी, तो इतनी बात हो गई, डी ब्लॉक में पहुंच गए हम, अब आगे नहीं पहुंच रहे। अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा के, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग होते हैं? बहुत ही सिंपल अनुप्रयोग होते हैं भाई साहब। देखो पहला, धात्विक गुण हम इसके आधार पे बता सकते हैं। कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, धातुओं का गुण क्या होता है? धातुएं चमकदार होती, तन्यता होती, उनको बजाने पे वो आवाज करती, सोनोरस, बोला होगा ना, ये छोटी छोटी फालतू बातें। सीधा काम की बात, ये धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग दी है,
धात्विक गुण की पहचान धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना। जो जितना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो हमारे लिए उतने काम की धातु है। तो लिथियम से जब हम सीजियम की ओर जाते हैं क्या आकार बढ़ता है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान, तो उनके लिए आयनन ऊर्जा कम, तो धात्विक गुण ज्यादा। जो कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो बढ़िया धातु। यस और नो? तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि यार अगर किसी के अंदर धात्विक गुण ज्यादा है, किसी के अंदर अगर धात्विक गुण ज्यादा है तो क्या होगा, उसके लिए आयनन ऊर्जा कम लगेगी। समझ में आ गया? तो धात्विक गुण और यहां पर ये हमने समझा, अर्थात आयनन ऊर्जा और धात्विक गुण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। पहला हम इसके भी आप पे ये भी बता सकते थे, ये तो वैसे ही बता सकते थे। दूसरी बात क्रियाशीलता, क्रियाशीलता कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये भी बता सकते हैं। कोई धातु तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग दे रही मतलब ज्यादा क्रियाशील है वह, तो बवाल चीज है। मतलब जिसकी आयनन ऊर्जा कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, उसको तो चाहती है इलेक्ट्रॉन त्यागना। जिसकी आयनन ऊर्जा कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। चिंगारी क्या लगा, भड़ाका धमाका हो गया, सोडियम को पानी में क्या फेंका, तो आग लग गई, धमाका हो गया, भाई गजब चीज है यार। ठीक है, मतलब ये भी आयनन ऊर्जा भी क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे अक्रिय गैसों को देखो, उनका तो अस्तक ही पूरा है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालना चाह रही, दिए जाओ ऊर्जा, दिए जाओ ऊर्जा, दिए जाओ, हम नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता, ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये हमने देख लिया क्रियाशीलता का, रिएक्टिविटी। अब इसके बाद आता है अगला, अब काम की बातें आएगी, थर्ड संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में भी ये मदद करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करने में, निर्धारण करने में इसकी सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि इस फलाना तत्व में इतने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। बिल्कुल बता सकते हो तुम, इतना कॉन्फिडेंस देती तुम्हें। देखो कैसे, भाई हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती और हर बार ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सपोज करो 30 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ी, सपोज करो, मानने में क्या जाता है 30 किलो जूल। अगला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, थोड़ी ज्यादा दे दो 50, अगला इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज्यादा दे दो 100, अगला इलेक्ट्रॉन 1500 मांग रहा है, तब इलेक्ट्रॉन निकलूंगा। देखो कुछ फटाफट मान जाते हैं कि भाई यार वहां पे काम करने चलना है, ठीक है 30 रुपए लूंगा, ठीक है अगले वाले को मनाने के लिए थोड़ा हर बार थोड़ा बढ़िया 50, फिर अगले वाला 60, यार हमारी टीम से खेल लेना यार, बढ़िया प्लेयर है एक। जैसे कि देखो तुम्हारे गांव में अलग अलग प्लेयर होंगे, उनको तुम्हें क्रिकेट टीम खड़ी करनी है, भाई खेलेगा भाई जब से 50 रुपए दूंगा, ठीक है अब थोड़ा बढ़िया प्लेयर 60 रुपए लेना तो यार इसको 50, या मैं उसको तो कुछ आता ही नहीं, ना तो कैच पकड़ना आता है ना कुछ करना, मैं 80 रुपए लूंगा, ठीक है तो 80 ले ले। आगे वाले के पास गया, थोड़े मैं 100 रुपए लूंगा, अब यार ये ना अपने टीम का सबसे बढ़िया प्लेयर है, कैप्टन, इसको बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है, बैटिंग भी बढ़िया कर लेता है, 500 रुपए। समझ में आ रहा, जस्ट इतनी ज्यादा उड़ जाओगी। तो उसी तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करने में ये भी, तो जरा देखो ध्यान से, आपको पता करने संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, यार हम इतने पेस थोड़ी देंगे यार, तुम ही आ जाओ, तीन ही प्लेयर आ जाओ, उसको रहने दो, भाड़ में जाने दो, होगा तो होगा बढ़िया प्लेयर, हमारे क्या काम का, वही बात। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करने का यही है प्रथम उच्च आयनन ऊर्जा से पूर्व आईई के मानों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कि यार ये बजट के बाहर प्लेयर है यार, ठीक है ओके। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, प्रथम उच्च आईई या आईपी के मानों की संख्या, मानों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन बता देगी आपको कि इसमें इतने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। समझ में आया? जैसे कि देखो उदाहरण, अचानक से वेरिएशन आ जाएगा बहुत ज्यादा। उदाहरण माना किसी परमाणु के लिए क्रमागत आयनन ऊर्जाएं कोई परमाणु ही बेचारा, उस परमाणु के लिए क्रमागत आयनन ऊर्जाएं क्रमशः 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है 80 किलो जूल पर मोल, 120 किलो जूल पर मोल, 1 मिनट, हाँ ये हमने पढ़ा था बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, हाँ लिखवाया था ना, आयनन ऊर्जाएं बढ़ती जाती है, ठीक है जैसे जैसे आकार छोटा होता जाता है आयनन ऊर्जाएं बढ़ती जाती है, उनका मान बढ़ता जाता है, तो वही मैं देख रहा था, मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले 80, फिर अगली बार 120 देनी पड़ी, फिर अगली बार सपोज करो 180 किलो जूल देनी पड़ी, 180 लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल, एवं 180 किलो जूल पर मोल, 250 किलो जूल पर मोल, 500 किलो जूल पर मोल हो तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ऐसे। माना कोई परमाणु है बेटा जिसमें हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 80, फिर अगली बार 120, फिर अगली बार 180, फिर अगली बार 250, फिर अगली बार 500, जस्ट इतना डिफरेंस। प्रथम उच्च आईई या आईपी के मानों की संख्या, प्रथम उच्च आईई या आईपी के पूर्व, यहां पे पूर्व लगा हुआ यार, के पूर्व मानों की संख्या, इससे पहले कितने मान, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, अर्थात उसके बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना, बोलो। ठीक है हाँ जी, समझ में आ गया। प्रथम उच्च आईई कितनी है, 500 किलो जूल पर मोल, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे भाई, यही बात है, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप समझोगे तुरंत लगाओगे, ठीक ये हो गया। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, तो प्रथम उच्च आईई से पूर्व मानों की संख्या आपको बता देगी भैया इसमें इतने इलेक्ट्रॉन थे, बस खत्म है मामला, ओके। जैसे कि देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। यहां पे दिए मैंने तत्व ए बी सी, इसके लिए आईई 1, आईई 2, आईई 3,
IE4, IE1, IE2, IE3, IE4 ये तत्व है, इनके लिए ये आयनन ऊर्जाएं हैं। इसके लिए सपोज करो पहली आयनन ऊर्जा 180 है, अगली वाली 240 है, अगली वाली 800 है, अगली वाली 1000 है। इसके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा सपोज करो 300 है, अगली वाली 420 है किलो जूल में सब, ठीक है, अगली वाली 600 है, अगली वाली 1400 है, ठीक है। इसकी पहली वाली बेटा लगभग लगभग सपोज करो मान लो 200 किलो जूल है, अगली वाली 800 है, 800 है, अगली वाली 1000 है, ठीक है, अगली वाली 1300 है, ओके। तो आप ए बी सी में क्या कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? तो ए बी एवं सी में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग होगा, ऐसा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और ये सब किस में है? किलो जूल पर मोल में ऊर्जा, सबकी ऊर्जा किलो जूल पर मोल में, ठीक है, योग होगा। क्या आप ये कर सकते हैं? क्वेश्चन कैसे ही बन गया आ सकता है भाई, तीन तत्व दे रखे हैं, इसके लिए तो सब में इलेक्ट्रॉन देख लो। तो जरा देखो ध्यान से, बात ऐसी है घर जैसी, निगाहें बोर्ड पे रखो, 180 फिर 240 फिर 800, अरे भाई साहब इससे पूर्व आईई के मान 1 और 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जरा देखो 360 फिर 420 फिर 600 फिर 1400, अरे भाई साहब इससे पूर्व 1 2 3 ये 3 मान चल जाएंगे, इसमें 200 डायरेक्ट फिर 800 फिर 1000 फिर 1300, अरे भैया ये वाला लफड़ा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जरा समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, वहां 1 ही निकालना, तो कितना 2 + 3 + 1 = 6, योग पूछा है ना तीनों का, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, 5 आएगा, अबे नालायक 6 आएगा विराट कोहली, अरे 1 ही निकालेगा ना, हाँ है ना, 1 ये निकालेगा ना, तो यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर भी इसमें लिख लो, क्या दिक्कत है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी, ठीक है। तो टोटल 2 3 1, क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ओके। तो आंसर आ गया भैया 6, तो ये याद कर सकते हो। एक और इसका फायदा है, एक फायदा और बताऊं, ये तो हो गया, अब एक फायदा और इसका रसगुल्लो, एक फायदा ये है कि हम इसकी सहायता से ये भी पता लगा सकते हैं कि 2 अगल बगल वाली ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सी ज्यादा स्थाई है, +1 वाली की +2 वाली, +2 वाली की +3 वाली, ये ही बता सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, हां जी, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्व को बताना, अभी तो हमने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, अब देखो ध्यान से अगला चौथा, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बताना, स्थायित्व का निर्धारण, का निर्धारण, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी। तो जरा देखो ध्यान से, यदि 2 क्रमागत ऑक्सीकरण, यदि 2 आयनन ऊर्जाओं का अंतर, यदि, तो जरा देखो ध्यान से केस नंबर फर्स्ट, यदि 2 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं
का अंतर। अगर दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर, यदि दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर, अगल और बगल वाली आयनन ऊर्जाओं का अंतर 11 या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 या 11 से कम या 11 के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल से कम हो, तो यदि दो हो तो मतलब अंतर ज्यादा नहीं है, मतलब इस पहले दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। भैया यहां पे इतनी ऊर्जा देनी पड़ी, यहां इतनी देनी पड़ी, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं, तो बोल देंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थाई होगी। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थाई होगी, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थाई होगी, अधिक स्थाई होगी। ठीक है, कल क्वेश्चंस लगाएंगे इन पे, बढ़िया बढ़िया, अधिक स्थाई होगी, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर वो स्थाई होगी जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर डिफरेंस है। तो अब केस नंबर दो, यदि दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, से हो अगर दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है बेटा, हो तो अंतराल ज्यादा है, पहले इतनी कम ऊर्जा थी अब इतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही, तो मैं न्यूनतम ही ठीक है। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थाई होती है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थाई होती है। ओके, और एक केस नंबर थर्ड आप सोच रहे होंगे इन दोनों के बीच में हो तो वो भी देख लो, तो भी उच्च न्यूनतम ही ज्यादा स्थाई होती है। तो जरा देखो ध्यान से, यदि दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 11 से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो तो भी न्यूनतम स्थाई होती है, मध्य हो तो भी न्यूनतम ऑक्सीडेशन स्टेट, इनऑर्गेनिक में कितना लिखना पड़ता है ना, देखो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थाई होती है। ये तीन केस, बात खत्म। बेटा देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले जो अपन ने लिखा था ना किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है, जूल में भी हो सकता है, कैलोरी में भी हो सकता है, कन्वर्ट करना मैंने सिखाया आपको पहले ही चैप्टर में, मोल अवधारणा वाले चैप्टर में। हां जी, तो जरा देखो ध्यान से, यदि दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हम बोल देंगे भैया उच्चतम ज्यादा स्थाई है, लेकिन अगर मान लो दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का अंतर 16 से ज्यादा हो तो बोल देंगे निम्नतम ही ठीक है, क्यों इतनी ऊर्जा दें, और अगर मान लो 11 16 के बीच में तो भी उच्चतम ही न्यूनतम ही ज्यादा स्थाई है। ओके सर, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। देखो उदाहरण अभी आएगा मजा, अरे अभी देखो उदाहरण अब आएगा मजा। तो जरा देखो ध्यान से उदाहरण, मान लो ये कोई एक ए परमाणु है जो कि उदासीन है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
तो यहां पर ये एक गैसीय अवस्था में चला गया प्लस, यहां पे सपोज करो आयनन ऊर्जा मेरे को देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में मैं लिख दे रहा हूं, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कि सपोज करो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने ए प्लस से, फिर यहां पर द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सपोज करो यहां पे लग गई मेरे लगभग जैसे कि मान लो यहां पे लग गई है 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये किस में चला गया, ए टू प्लस में चला गया, ओके हां जी। और फिर अगर मैंने मान लो इससे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा, ओके, यहां पर तृतीय इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा सपोज करो मेरे को देनी पड़ी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चला गया इसमें, हां जी। और ऐसे ही सपोज करो मान लो मैंने और मेरे मन को भाया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के खाया, ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया भाई साहब, ये ए जी 4 प्लस में चला गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता आई 4, ये क्या जब सपोज करो मैंने यहां पे दे दी इसको लगभग 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो आपको तो बस क्या करना है, दो क्रमागत का अंतर देखना है। तो जरा देखो ध्यान से बच्चों, यहां से यहां उसमें 10 इसमें 19, तो अंतर कितने का आया, अंतर कितने का है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या 11 से कम है, 11 से कम है, तो कौन सी ज्यादा स्थाई, उच्चतम वाली, अर्थात स्थाई। तो इन दोनों में देखा जाए तो यार प्लस 1 से बजाय प्लस 2 ज्यादा स्थाई है, ऐसे बस, और कोई मतलब नहीं इस चीज का। अच्छा अगर इन दोनों में देखो तो अंतर 19 और 35, 35 माइनस 19 करोगे कितना आएगा, 15 क्या, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 के बराबर आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्नतम है, ठीक है। तो स्थायित्व इन दोनों में देखो किसका ज्यादा स्थायित्व आएगा, अरे भाई प्लस 2 बढ़िया है, प्लस 3 में जाने से, तो इन दोनों में देखो अंतर, समझ रहे हो ना, अंतर देखो दोनों का अंतर कितना आया, 25 का 25, अरे भाई साहब अंतर अगर 16 से ज्यादा हो, अरे रुको ना गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हां जी न्यूनतम, हाँ 16 आया, ठीक है, अंतर अगर 16 या 16 से ज्यादा हो तो भी न्यूनतम, ठीक है, ये क्या बड़ा है 16 से, बड़ा है तो भैया न्यूनतम स्थाई होगी इन दोनों में से, स्थाई तो किसका ज्यादा होगा कि भाई प्लस 3 के मुकाबले प्लस 4 ज्यादा स्थाई होगी क्या, ना ना यार अंतर 16 से ज्यादा आ रहा है, 16 से ज्यादा आ रहा है तो न्यूनतम वाली ज्यादा स्थाई होगी, ये बात है। तो बात ऐसी है, घर जैसी है, इतनी छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई हो तो भाई दिल बना दो एक बार, और ये वाला पार्ट भी खत्म। इन दोनों का अंतर देखो 10 और 19 का अंतर 9, 11 से कम है, अर्थात ये प्लस 1 से प्लस 2 में आराम से जा सकता है, क्योंकि अंतर 11 से कम है इसलिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थाई आई। फिर यहां देखो इन दोनों में अंतर 19, 35 माइनस 19 करा कितना अंतर 16 का, 16 का अंतर तो न्यूनतम ज्यादा स्थाई, प्लस 2 और प्लस 3 न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थाई। फिर इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर कितना का आया 25, क्या 16 ज्यादा आ गया तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था ही ज्यादा स्थाई। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था। तत्व दे रखे ए बी सी, इनकी आयनन ऊर्जाएं दे रखी क्रमागत, यहाँ पे 180, यहाँ 240, यहाँ 800, अंतराल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, प्रथम उच्च आईपी से आयनन ऊर्जा से पूर्व मायनों की संख्या 2 मान है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे जरा देखो ध्यान से, 1 2, फिर यहां पे 600, फिर यहां 1400 हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते थे आगे, तो बहुत ज्यादा आ गया इस वजह से। और यहां पर 200,
फिर 800 यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता था। आंखों में पेन हो रहा है, ईयर में पेन हो रहा है, अरे रोहित कुमार यार मेरे भी पढ़ाते पढ़ाते बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है पढ़ा रहा हूं ना, पर आप तो बैठे बैठे पढ़ रहे हो, हमारा तो नेट ही खत्म हो गया। डेली खत्म होता है या आज ही खत्म होता है? डेली तो इतनी क्लास होती तुम्हारी, आज ही थोड़ी ना हुई है इतनी क्लास, बोलो। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यार यहां पर हमने ये सारी चीजें, अरे हम आपको समझाते हैं भाई, हमें तो समझे भाई, मैं खुद नहीं समझता हूं, मैं आपको समझाता हूं। सर ये बहुत बोरिंग है, अबे नहीं ये बोरिंग ऐसा मत बोलो यार, या तो फिर तुम्हें कोई चीजें डेप्थ में ना पढ़ाऊं, सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ा के खत्म हुआ खत्म हुआ आगे बढ़ो, खत्म हुआ खत्म हुआ आगे बढ़ो, खत्म हुआ खत्म हुआ आगे बढ़ो, ऐसे कर दूं, हाँ या ना? ओके सर, योग का मान छे कहाँ आया? कहाँ आया योग का मान छे भाई? किसका योग का मान छे आया? पागल हो? दो और तीन पांच, पांच और एक छह ही तो होएगा। हाँ जी क्लियर है। ओके तो आई होप, या पेज खत्म हो गया क्या? आगे बढ़ना, पेज खत्म हो गया। हाँ जी तो जरा देखो ध्यान से, यहां तक हमने ये चीजें कर ली, आयनन ऊर्जा को समझ लिया। अब इसके बाद अगली क्लास में हम मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझेंगे।